Hello guys, welcome to Lukman IAS and we are coming with the 400 Dreams All India Scholarship Test commencing on Saturday, 10th of June 2023. The test mode will be offline as well as online. The classes will be online as well as offline. And top 10 rankers will get the 11 months GS Foundation course absolutely free. And the remaining will get the concession as per their score. So offline test centers will be Bangalore, Chennai, Delhi, Hyderabad, Indore, Lucknow, Pune, Patna and Prayagraj. And here we have our first candidate from the 400 Dreams Scholarship Test, Nitish Rajora, who scored rank 268 in UPSC CSE 2020. So here is the QR code, scan it and register yourself for the scholarship test. Thank you. Hello, my name is Dr. Mayur Hazarika. I have scored the AIR 5 in the UPSC CSE 2022 and I am from Assam. I've completed my schooling from Assam itself from Tejpur, and after that I have done my graduation in MBBS from Guwahati Medical College, Assam itself. So my strategy for the preparation phase was actually normally मैं एक integrated approach ही रखता था. ऐसा नहीं था कि मैं prelims और mains के लिए अलग अलग way से prepare कर रहा था. The basic resources for both prelims and mains were the same. NOC के दौरान मतलब however the focus points of both prelims and mains used to be a little different. Base जो भी होता था, जो base resources होते थे for prelims, my basic strategy was to go for multiple rounds of revision. Like I used to revise them for so many rounds. While for mains, what I relied on was value addition. Whatever those basic resources were that I had fixed earlier, तो उसी के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा value addition करता था. So that was my basic strategy for both prelims as main and mains. Okay, so now coming in particular to my strategy with respect to prelims, just as I have said, I used to rely on जो basic resources है वही थे मेरे basic resources को ही मैंने continue किया. But basic जो point I think which I did in particular was I went for multiple rounds of revision. बहुत सारे रिविजन्स किए सेम चीज़ों के ही जो बेसिक रिसोर्सेज थे और उन्हीं को मतलब जून का जो वॉलेटाइल चीज़ें होते हैं वो वॉलेटाइल इन्फॉर्मेशन को हमने बहुत बार मतलब रिवाइज कर लिया था. जैसे आई रिमेंबर आई यूज टू रिवाइज लक्ष्मीकांत लाइक आई हैड फिनिश्ड इट अराउंड लाइक 20-30 टाइम्स बाय द टाइम हम एग्जाम के लिए गए थे. एंड हाउ मेनी मॉक्स डिड आई अटेम्प्ट, एक्चुअली मैं एक वर्किंग कैंडिडेट था तो उसी वजह से मेरे पास काफ़ी टाइम कॉन्स्ट्रेंट था, तो ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा मॉक्स दे पाया. हाउएवर इफ़ आई हैड द लग्जरी देन ऑफ टाइम देन आई वुड हैव गॉन फॉर सो मेनी मॉक्स. बट इन जनरल मैंने कुछ आई थिंक अराउंड 20 मॉक्स अटैम्प्ट किए होंगे, 15-20 मॉक्स मिला के. ओके, सो अभी प्रीलिम्स के लिए जो इन द एग्जाम हॉल मेरा स्ट्रेटजी बेसिकली ये था कि आई वॉज थिंकिंग आई वुड गो फॉर 3 राउंड्स ऑफ द होल क्वेश्चन पेपर. फर्स्ट राउंड में आई वेंट फॉर दोज क्वेश्चन जहाँ पे अराउंड आई वॉज श्योर अप फॉर अबाउट 70-80% विद रेस्पेक्ट टू द आंसर. एंड एक बार वो फर्स्ट राउंड जब खत्म हो गया तब सेकेंड राउंड के लिए जब आया तो आई ट्राइड दोज क्वेश्चन इन विच आई वॉज लाइक 50-50, कुछ 50% चांसेस हो सकते थे कि वो करेक्ट हो सकता है या फिर रॉन्ग भी हो सकता है. तो वंस आई वॉज कम्प्लीट आई हैड कम्प्लीटेड दोज फर्स्ट 2 राउंड्स, तो उसके बाद मेरे को सोचना था कि द थर्ड राउंड में मैं हाई रिस्क लूँ या फिर लो रिस्क रखूँ अपना. अभी ऐसा था कि मेरे को जब सेकेंड राउंड तक कम्प्लीट हो गया था तो आई वॉज ऑलमोस्ट श्योर फॉर अराउंड लाइक 45-50 ऑफ दोज क्वेश्चन, तो मेरे को पता चल गया कि थर्ड राउंड में मेरे को ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है क्योंकि ऑलमोस्ट आ ही रहा था जो क्वालिफाइंग मार्क्स के अराउंड होने वाला था. तो आई एंडेड अप अटेम्प्टिंग अराउंड 71 क्वेश्चन एंड ऑल्डो आई हैड इनिशियली थॉट कि मैं कुछ आई बी अटेम्प्टिंग फॉर अराउंड 80-85 ऑफ दोज क्वेश्चन, आई इवेंचुअली एंडेड अप अटेम्प्टिंग 71 क्वेश्चन. सो विद दिस आई वुड लाइक टू से कि ऐसा कुछ प्री कॉन्सिप्ट आइडिया लेके जाना ठीक नहीं होता है कि आई बी अटेम्प्टिंग दिस अमाउंट ऑफ क्वेश्चन. द अमाउंट ऑफ क्वेश्चन दैट यू अटेम्प्ट ऑन दैट डे वो एक्चुअली डिपेंड अपॉन कितना उस दिन के हिसाब से डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन पेपर कितना डिफिकल्ट है या फिर आपका एक्यूरेसी रेट कैसा जा रहा है. आपका एक्यूरेसी रेट इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट आपका एक्यूरेसी रेट देन यू शुड प्रोबेबली उसके हिसाब से आपको अपना स्ट्रेटजी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. बट इफ़ यू आर वेरी श्योर अबाउट योर एक्यूरेसी रेट तो उतना भी हाई रिस्क नहीं लेना चाहिए. माई रिसोर्सेज फॉर माई मीन्स वर द सेम एज व्हाट आई हैव बीन यूजिंग प्रीलिम्स के लिए. जो भी रिसोर्स यूज़ हो रहा था अभी GS1 के लिए आर्ट एंड कल्चर के लिए मैं अपने कोचिंग के नोट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा था. उसके बाद मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए मैं सोनाली बंसल मैम की एक बुक आती है बाय मैग्रोहिस पब्लिकेशन तो मैं वो यूज़ कर रहा था. भी उसके बाद एंशियंट और मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के लिए आई वॉज़ यूजिंग
पूनम दलाल दहिया की एक मैम की एक किताब आती है बाय मैक्रो हिल्स पब्लिकेशन, तो मैं वो यूज़ कर रहा था. एंड आफ्टर दैट देर वॉज फॉर अदर टॉपिक्स लाइक सोसाइटी एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री आई रिलाइड अपॉन वॉट एवर नोट्स इजिली अवेलेबल इन द मार्केट. एंड फॉर जियोग्राफी इन जी एस वन आई वॉज यूजिंग पी एम एफ आई एस, नॉट द न्यू फिजिकल जो फिजिकल के हिसाब से अब किताब आ रहा है पी एम एफ से, वो वाला यूज़ नहीं कर रहा था. जो प्रीवियसली एक एंटायर कंपाइलेशन आता था जिसमें इंडियन जियोग्राफी भी इंक्लूडेड था, वो किताब में यूज़ कर रहा था, वो नोट्स में यूज़ कर रहा था. एंड विथ जी एस टू पॉलिटी के लिए बेसिकली तो वो लक्ष्मीकांत ही मैंने पढ़ा था. गवर्नेंस के लिए कुछ कोचिंग वगैरह के नोट्स जो भी अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन रिसोर्सेज पे. एंड उसके अलावा सोशल जस्टिस के लिए भी वो जो भी नोट्स अवेलेबल होते थे. और फॉर आईआर के लिए मैं यूज़ कर रहा था, मतलब आईआर मेरा जैसे कि मेरा आईएफएस फर्स्ट प्रेफरेंस है तो मैं बहुत आईआर मेरा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट भी था, तो मैं ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज ऑनलाइन रेफर कर रहा था, बी इट ऑन यूट्यूब और फ्रॉम अदर रिसोर्सेज एंड आर्टिकल्स. तो वही मेरा बेसिक रिसोर्सेज था फॉर इंटरनेशनल रिलेशन. अभी जी एस थ्री के लिए मैं फॉर इकोनॉमी आई वॉज यूजिंग कोचिंग मटेरियल. एंड साइंस एंड टेक के लिए मैं कोचिंग मटेरियल ही यूज़ कर रहा था. अभी उसके बाद एनवायरनमेंट के लिए पी एम एफ आई एस की जो एनवायरनमेंट की किताब आती है वो यूज़ कर रहा था. एंड बाकी जो टॉपिक्स होते हैं जैसे इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए होता, तो इट वॉज जो भी मटेरियल अवेलेबल होता था कोचिंग से मैं वही से पढ़ लेता था वो सब टॉपिक्स. अभी एथिक्स के लिए आई वॉज फॉलोइंग जो कोचिंग का जो बुकलेट होता है, आई वॉज रेफरिंग नेक्स्ट आई एस बुकलेट जो यूज़ करते हैं, तो उसी को यूज़ कर रहा था. लेकिन उसके ऊपर भी बहुत कुछ एनेक्डोट्स या फिर वैल्यू एडिशन करने होते हैं. सो दिस आर द बेसिक रिसोर्सेज दैट आई वाज यूजिंग. बट द मेन फोकस पॉइंट फॉर मी ड्यूरिंग द एंटायर मेंस वाज माय वैल्यू एडिशन. सो आई वाज यूजिंग बेसिकली फोर और फाइव टेक्निक्स फॉर वैल्यू एडिशन. फर्स्टली डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स, मतलब कुछ भी टॉपिक के अराउंड जो भी डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स आता है. फॉर एग्जाम्पल वीमेन के अराउंड ही बहुत सारे टॉपिक्स के अराउंड हमें सो मेनी स्टेटिस्टिक्स दैट वी कैन कम अक्रॉस, तो वो सब मैं कलेक्ट कर लेता था. उसके ऊपर रिपोर्ट्स जो होते थे वो भी मैं कलेक्ट कर लेता था. और एथिक्स के लिए ऑन द अदर हैंड थर्डली मैं एनेक्डोट्स और स्टोरीज के ऊपर बहुत कुछ रिलाई करता था. वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स हो गए, कुछ इंसिडेंट्स हो गए, तो वो भी मैं यूज़ करता था. अभी उसके बाद केस लॉस, जी एस टू में केस लॉस काफ़ी काम आते हैं, तो कुछ 30-40 केस लॉस कर लेना मतलब मैंने कर लिया था. अभी उसके बाद जो था कि मैं उसके अलावा भी गवर्नमेंट स्कीम्स को भी कोट करता था, तो वो भी मेरा आई यूज दिस टेक्निक्स फॉर वैल्यू एडिशन इन माई एंसर्स ऑफ मेंस. सो दिस वॉज माई बेसिक स्ट्रैटेजी. सो टॉकिंग अबाउट माई टाइम लाइन फॉर माई मेंस प्रिपरेशन, अभी मैं ऐसा वर्किंग कैंडिडेट था तो मैंने कुछ पहले से ही स्टार्ट कर दिया था, तो मेरा ऐसा कुछ वन ईयर का प्रिपरेशन नहीं था. आई थिंक इट वॉज स्प्रेड फॉर अराउंड लाइक वन एंड हाफ ईयर और टू ईयर्स. तो एनी वेज वॉट आई वुड रिकमेंड इज कि हो सके तो मेन्स का मोर और लेस सिलेबस कैन शुड और A candidate can try to finish more or less the syllabus of mains by December or like mid of January. क्योंकि mid of January से वो time आ जाता है कि जब हमारे candidate needs to focus more on prelims. So I think that would be the timeline that I would suggest. अभी मेरा timeline काफ़ी अलग था क्योंकि मैं work कर रहा था, अभी वो issue कुछ काफ़ी अलग हो जाता है. अभी फॉर एंसर राइटिंग के लिए बेसिकली क्या था कि मैं वैल्यू एडिशन के ऊपर बहुत कुछ यूज़ कर रहा था. फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई भी एक इशू आ गया हो, लेट्स से एग्जांपल के लिए मैं बोल देता हूँ चैलेंजेस एसोसिएटेड विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो जो थीमेटिक टॉपिक्स तो सबको पता ही है कि वो पेस्टल होता है, मतलब पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल हो गया, उसके बाद टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, लीगल, तो वैसे टाइप के. अभी और कुछ टॉपिक्स आप लोग खुद से सोच सकते हैं अपने आप से, ऐसे कुछ जैसे गवर्नेंस हो गया या फिर डेमोग्राफी रिलेटेड हो गया, तो वो सब आप सोच सकते हैं अपने आप से. तो यही कुछ थीम के ऊपर हम मेरा आंसर्स नॉर्मली फोकस था. नॉट फॉर ऑल आंसर्स बट दिस वाज यूजफुल इन अ लॉट ऑफ दोज आंसर्स दैट आई वाज राइटिंग. तो जब भी अभी AI के अराउंड पॉलिटिकल कुछ इशू है तो उसको मेंशन कर देता था. लेकिन वैल्यू एडिशन के तौर पे मैं क्या करता था कि कुछ स्टेटिस्टिकल डेटा या फिर कुछ रिपोर्ट आ गया हो कि लेट्स से इस कंट्री के ऊपर दे आर कमिंग अप विद सम लीगल फ्रेमवर्क्स जिसके थ्रू दे विल बी ट्राइंग टू रेगुलेट AI इन दैट कंट्री, तो वो मैं मेंशन कर देता था. अभी इकोनॉमी के लिए अगर देखा जाए तो जॉब लॉस हो सकता है AI के अराउंड, तो वहाँ पे कुछ ऐसा रिपोर्ट अगर है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अगर कुछ रिपोर्ट है कि दिस मेनी अमाउंट ऑफ जॉब्स विल बी लॉस बिकॉज ऑफ AI, तो आप वो भी कोट कर सकते हैं. तो दिस इज़ व्हाट आई मीन बाय वैल्यू एडिशन. जब भी आप कुछ स्टेटमेंट कर रहे हैं अपने मेंस के आंसर में तो आपको उसको सब्सटेंशिएट भी करना होता है, और वो सब्सटेंशिएशन आप कर सकते हैं थ्रू ऑल द वैल्यू एडिशन पॉइंट्स दैट आई हैव सेड. फॉर एग्जांपल डेटा हो गया, रिपोर्ट्स हो गया, एनेक्डोट्स हो गया, उन सब के थ्रू आप अपना वो सब्सटेंशिएट करना कर सकते हैं. तो दिस वॉज माई बेसिक स्ट्रैटेजी फॉर आंसर राइटिंग एंड वैल्यू एडिशन. अभी
बाकी सब तो बेसिक को सबको पता ही है कि इंट्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, बॉडी में पॉइंटर्स के हिसाब से लिखना होता है, और कंक्लूजन में भी कुछ अच्छा वे फॉरवर्ड या फिर कुछ सोल्यूशन के हिसाब होना चाहिए, आंसर काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक नोट पे एंड होना चाहिए, अगर पेसिमिस्टिक अलाउड है, पर अगर ऑप्शन है कि आप ऑप्टिमिस्टिक नोट पे ख़त्म कर सके आंसर को, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप ऑप्टिमिस्टिकली ही आंसर को एंड करें। अभी मैंने कितना मॉक्स दिया था फॉर मेंस, तो ये भी काफ़ी मेरे लिए मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि मैं वर्क कर रहा था, आई वॉज ए वर्किंग कैंडिडेट, तो मेरे पास टाइम कॉन्स्ट्रेंट था, तो मैंने कुछ 3-4 ऐसे मॉक्स ही लिखे थे, बट मैंने ज्वाइन कर लिया था टेस्ट सीरीज़ वगैरह, तो आई थिंक मैंने उसको ना लिखते हुए भी आई रिलाइड मच मोर ऑन एनालिसिस ऑफ द मॉडल आंसर्स दैट हैव बीन गिवन, और मैं ऐसे वैसे मैं ब्रेनस्टॉर्म कर लेता था कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो मैं ऐसे ऐसे लिख लेगा, तो इंस्टेड ऑफ एक्चुअली राइटिंग मैं वो ब्रेनस्टॉर्म से कंपेंसेट कर लेता था। आई वोंट रेकमेंड दिस टू एनीबॉडी, इफ दे हैव टाइम अवेलेबल तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर आंसर राइटिंग, क्योंकि उससे आपका स्पीड वगैरह भी आपको कंट्रोल में आ जाएगा कितने स्पीड से लिखना होता है, और स्पीड के थ्रू अगर पेन के बारे में बात करें तो आई वॉज यूजिंग रेनॉल्ड्स ट्राइमैक्स पेन फॉर माई मेन आंसर राइटिंग। तो नोट मेकिंग के हिसाब से मैंने बेसिकली जो किया था कि बेसिक रिसोर्सेज तो सेम ही थे, लेकिन फॉर मीन्स मैं कुछ ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर कुछ ऐसा शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेता था, कुछ अराउंड 1 पेजेस के अराउंड, लेकिन वो भी ऐसा नहीं था कि हर एक टॉपिक के लिए बनाने को मेरा ऐसा टाइम था, तो जो भी रिसोर्सेज थे उसी के अराउंड मैं बनाता था अवेलेबल, अगर कुछ वहाँ पे वैल्यू एडिशन करना है या फिर कोई पेज लगा के वैसे भी मैं कर लेता था, लेकिन जो मैं अलग करता था, व्हाट आई थिंक वाज डिफरेंट वाज दैट आई यूज टू आफ्टर गोइंग फॉर लाइक अराउंड 5 or 6 राउंड्स ऑफ रिविजन ऑफ एनी स्टैटिक रिसोर्स दैट यू आर फॉलोइंग, तो आपको कुछ चीज़ें पता हो जाता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए स्टेबल है या फिर वो वॉलेटाइल इन्फॉर्मेशन है। अभी ये बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक चीज़ है कि व्हाट मे बी वॉलेटाइल इन्फॉर्मेशन फॉर समवन मे नॉट बी अ वॉलेटाइल इन्फॉर्मेशन फॉर अनदर पर्सन, वो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि वो चीज़ आपके लिए वॉलेटाइल है या नहीं आफ्टर गोइंग फॉर लाइक 4 or 5 राउंड्स ऑफ रिविजन। तो क्या होता था कि मेरे को जब पता चल गया कि ये चीज़ें मेरे लिए वॉलेटाइल है, तो मैं कुछ ऐसे छोटे छोटे नोट्स पे वो उसे क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में लिख लेता था। तो लेट्स से कि सिपॉय म्यूटिनी फर्स्ट व्हेन फर्स्ट वेयर, तो ऐसे करके मैं क्वेश्चन लिख लेता था और उसी के नीचे मैं आंसर लिख लेता था, तो मैं उसको एक्टिवली रिकॉल करता था जब भी टाइम मिलता था, तो ऐसा हो जाता था कि मैं एंटायर पॉलिटी को पढ़ने के लिए लक्ष्मीकांत का हर बार मैं स्टेपल चीज़ें नहीं पढ़ता था, जो भी चीज़ें अगर वॉलेटाइल है तो मैं ऐसे छोटे नोट में लिख लेता था, तो जब भी मैं उसको रिवाइज कर लेता था तो ऐसा हो जाता था कि पूरा लक्ष्मीकांत ही रिवाइज हो गया है, क्योंकि बार बार आपको स्टेबल चीज़ें मतलब मेरे ख्याल से बार बार स्टेबल चीज़ें पढ़ना भी उतना ठीक नहीं है, और फुल अगर पढ़ते रहते हैं तो आपको वॉलेटाइल चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करने का कम टाइम मिल जाता है, क्योंकि यू बी स्टडिंग द सेम थिंग विद द सेम अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तो जब आप उसको सेपरेट कर देते हैं, सेग्रीगेट कर देते हैं वॉलेटाइल चीज़ों को, और उसके ऊपर आप स्पेशली फोकस करते हैं, तो यू आर गिविंग मोर एफर्ट इन दोज थिंग्स टू एंड उसको कॉन्सोलिडेट होने को टाइम मिल जाता है। तो मैं वैसा करता था अपने नोट्स के अराउंड। अभी आई थिंक दैट आई ऑल्सो अप्लाइड दैट टू वैल्यू एडिशन स्टैटिस्टिक्स एंड ऑल, मतलब मैं स्टैटिस्टिक्स वगैरह भी ऐसे कोई Q&A फॉर्मेट में लिख लेता था और उसको बहुत बार रिवाइज करता रहता था, तो दैट आई थिंक दैट एक्चुअली हेल्प मी इन रिवाइजिंग दोज स्टैटिक मटेरियल मल्टीपल अमाउंट्स ऑफ टाइम। अभी नोट को मैं मेरा ऐसा था कि ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन ये वेरी करता रहता था, अगर कोई टॉपिक काफ़ी स्टैटिक सा टॉपिक है तो मैं उसको ऑफलाइन ही बना लेता था, क्योंकि उसको उतना भी ज़्यादा चेंज नहीं करना पड़ता है, लेकिन लेट्स से टॉपिक बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक है, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब चेंज होता रहता था, तो मैं उसको ऑनलाइन पे रखता था, क्योंकि ऑनलाइन की वजह से मतलब यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी टू आप उसको जब भी चाहे उसको एक्सपेंड कर सके, उस पर बीच में आप ऐड कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं अगर कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट हो गया होगा। तो आई थिंक मेरा अप्रोच काफ़ी हाइब्रिड सा था विद दिस रेस्पेक्ट, मैं आई डिड नॉट गो फॉर एन एब्सोल्युटली और एक्सक्लूसिवली ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड, I had those based on whether the topic that is being discussed is a static topic or is it a dynamic topic. Okay, so for time management, जैसे मैंने already mention कर दिया कि I was working before the prelims, तो मेरे पास काफ़ी time constraint था, तो during that period मैं ऐसा करता था कि कभी कभार दिन को पढ़ लेता था, दिन मतलब job से आने के बाद normal जो evening का time होता था like from around 5 तो लेके 9 PM तक, और सुबह जाने से पहले कुछ 1.5 घंटा अगर हो सकता था तो पढ़ लेता था, या फिर सम डेज़ व्हाट आई यूज़ टू डू वाज दैट मैं कुछ पूरा नाइट ही पढ़ लेता था, मतलब अराउंड 2:30 बजे तक या फिर 3 बजे तक पढ़ लेता था, फिर सुबह उठ के सीधा जॉब को ही चला जाता था। लेकिन प्री के बाद
प्री के बाद जब मेरा जॉब्स ख़त्म हो गया तो मैं उसके बाद आई यूज़ टू गो फॉर अराउंड लाइक 8 or 9 hours ऑफ स्टडी पर डे. तो उसके दौरान आई डिवाइडेड दैट पीरियड फॉर लाइक करंट हो गया, न्यूज़पेपर वगैरह, और उसके बाद जो भी स्टैटिक चीज़ें थे उसको रिविजन करना, कुछ वैल्यू एडिशन करना, ऑप्शनल को भी टाइम देना था. तो डैट वॉज हाउ आई डिवाइडेड इट एज पर. अभी तो मतलब कुछ चीज़ें जो स्टैटिक होता था उसको कुछ दिन के 3 घंटे अराउंड 3-4 घंटे दे देता था, बाकी सब उसी के हिसाब से मैं डिवाइड कर लेता था बाकी सब टॉपिक्स के लिए. ओके, सो विथ रेस्पेक्ट टू डूज एंड डोंट्स, आई वुड से दैट डू विथ रेस्पेक्ट टू डू, वन थिंग इज़ कि आपको बहुत बार मल्टीपल रिविजन्स करना पड़ता है रिसोर्स को. ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आप एक बार पढ़ लिए तो वो चीज़ आपके दिमाग में आ जाएगा, आपको मल्टीपल बार आप जब रिवाइज करेंगे तभी वो चीज़ें आपको कंसोलिडेट होगा. और वंस आपने कंसोलिडेट अगर नहीं किया है तो यू वॉन्ट बी एबल टू रिकलेक्ट दोज इन योर प्रीलिम्स एंड एट द सेम टाइम यू वॉन्ट बी एबल टू रिप्रोड्यूस दोज इन योर मेंस. सो आई थिंक नंबर वन डू इज डेफिनेटली रिविजन, एंड सेकेंडली फॉर मेंस आई वुड से इज वैल्यू एडिशन. तो जब अभी देखिए मेंस का जो आंसर्स होते हैं वो इट इज़ बेस्ड अपॉन हाउ गुड यू आर परफॉर्मिंग, और इट इज़ अ वेरी रिलेटिव स्किल, हाउ गुड यू आर परफॉर्मिंग और वट एवर एज यू कैन गेट इन योर मेंस आंसर राइटिंग, दैट इज़ वट विल help you in getting a higher rank. So I think that can be achieved through value addition. बहुत सारे data वगैरह आप collect कीजिए, उसको उससे आप उसको आप quote कीजिए at different points of time in your answer, जिससे आपका मतलब overall paper का impression अच्छा हो जाएगा, आपको marks अच्छे मिल जाएंगे. And with respect to don'ts, I would say कि don't keep on skipping like hopping from one resource to another. एक बार आपने अपना resource ऐसा fix कर लिया है, अभी यू नीड टू ट्रस्ट दैट रिसोर्स. अभी पहले ही में अब जब सोर्स को ऐसे चूज़ करते हैं तो तभी आपको थोड़ा सा जुडिशियसली करना पड़ता है. अभी एक बार चूज़ कर लिया है अच्छे से तो ऐसा नहीं है कि उसमें एक टॉपिक नहीं है तो आप पूरा रिसोर्स ही मतलब स्कैप ऑफ कर ले और फिर से आप कोई एक नए रिसोर्स की तरफ चले जाए, कुछ भी नहीं है, लैकिंग है. आप वहीं पर वैल्यू एडिशन कर लीजिए, वहीं पर पेज लगा के पेस्ट करके वहीं पर डाल दीजिए. तो आई थिंक दैट वुड बी द बिगेस्ट डोंट दैट आई हैव टू से विद रेस्पेक्ट टू दिस. एंड ऑल्सो हाँ, मतलब हिम्मत भी नहीं हारना चाहिए इन दिस बिकॉज इन दिस प्रोसेस, बिकॉज दिस जर्नी विल बी फुल ऑफ स्ट्रगल्स. देर विल बी मोमेंट्स जहाँ पे आपको अपने ऊपर ही डाउट आना, मतलब नॉर्मल सा बात है कि अपने ऊपर डाउट आता है कि होगा या नहीं होगा, देर इज़ सो मच ऑफ कॉम्पिटिशन. तो आपको अपना हिम्मत नहीं हारना है, बस हैव दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस कि अगर आप एफर्ट्स देते रहेंगे तो इवेंचुअली थिंग्स विल वर्क आउट. अभी मेरे इंटरव्यू का बोर्ड था ऑनरेबल स्मिता नागराज मैम का बोर्ड था, तो मेरे को कुछ ऐसे अभी मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस IFS था, तो मेरे जो क्वेश्चंस थे वो मोस्टली दे वर रिवॉल्विंग अराउंड इंटरनेशनल रिलेशंस, एंड सिंस आई एम फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड तो वहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस थे. अभी जैसे एक क्वेश्चंस जो इनिशियली मैम ने पूछा था, सिंस यू आर ए मेडिको हाउ विल यू यूज योर मेडिकल नॉलेज इन फॉरेन डिप्लोमेसी इफ गिवन ए चांस टू बी अ डिप्लोमेट. फिर उन्होंने पूछा कि अभी रिसेंटली वहाँ पे कुछ रेसलर्स के प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो मैम ने बोला कि दिस सम पीपल आर सीइंग कि दिस सेंस अ वेरी बैड इमेज ऑफ इंडिया एट द इंटरनेशनल लेवल, तो व्हाट डू यू थिंक. तो मैंने उसका जवाब दिया. फिर मैम ने पूछा कि इफ़ गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू बी अ डिप्लोमेट व्हाट वुड बी द इमेज दैट यू वुड लाइक टू प्रमोट ऑफ इंडिया. फिर मैम ने पूछा कि व्हाट डू यू थिंक, अभी आई एम नॉट सेइंग वर्बटिम क्या पूछा था, अभी तो इतना याद नहीं है, लेकिन वट एवर आई कैन रिकलेक्ट उसके अराउंड ही मैं बोल रहा हूँ. फिर मैम ने कुछ पूछा कि हाउ डू यू थिंक इंडिया कैन इम्प्रूव इट्स रिलेशंस विद अदर इट्स नेबर्स, तुम क्या कुछ अलग करोगे, डू यू थिंक मतलब हमेशा अलग देशों का ही कुछ गलती होता है या फिर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हमको खुद के ऊपर ही देखना पड़ेगा. तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे. आई थिंक इट वेंट फॉर मैम के अराउंड 10 मिनट्स. माई टोटल इंटरव्यू वॉज फॉर अराउंड 30 मिनट्स. अभी उसके बाद सेकेंड मेंबर ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर कुछ पूछा, उसके बाद कुछ जैसे जनरल क्वेश्चंस पूछे कि डू यू थिंक ऑल प्रोफेशंस आर नोबल प्रोफेशंस, ऐसे करके. थर्ड मेंबर ने बेसिकली मेरे को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे थे. फोर्थ मेंबर ने मेरे को अभी राजस्थान में हुए हुए जो राइट टू हेल्थ बिल के अराउंड जो स्ट्राइक्स हुए थे उसके अराउंड क्वेश्चंस पूछे थे कि इश्यूज़ क्या है. उसके बाद इंडिया का रिलेशन विद ताइवान पूछा था कैसा है. उसके बाद जो फिफ्थ मेंबर थे वो न्यूक्लियर डिप्लोमेसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे. तो ऑल इन ऑल आई थिंक इट वाज फोकस्ड मोर ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड जो वहाँ के टॉपिक्स होते थे, और मेडिकल से भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे. बट जो एनवायरनमेंट था वो काफ़ी कॉर्डियल था, कभी काफ़ी मतलब ऐसा कॉन्वर्सेशन टाइप का एनवायरनमेंट था, कुछ भी ऐसा कॉर्नर करने का या फिर वैसा टाइप का एफर्ट्स नहीं थे.
तो आई एक्चुअली एन्जॉय द इंटरव्यू प्रोसेस अ लॉट. इट इज़ प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट फन कॉन्वर्सेशन आई हैड. मोस्ट फन नहीं बोलेगा, लाइक इट इज़ प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट एनरिचिंग कॉन्वर्सेशन दैट आई हैड विथ द बोर्ड. नाउ टॉकिंग अबाउट मॉक्स, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है कि आई वॉज वर्किंग एंड मेरे को कुछ ऐसे टाइम कॉन्स्ट्रेंट था, तो मतलब मैं उतना मॉक्स नहीं दे पा रहा था. देता था कुछ ऐसे बहुत ही लिमिटेड था, मगर इफ़ आई गिवन द चांस टू गिव देम अगेन, लाइक देन आई हैव डेफिनेटली गिवन मोर मॉक्स अभी. बट मैंने अबाउट आई गिव ए लॉट ऑफ मॉक इंटरव्यूज, क्योंकि मेरा जो इंटरव्यू था वो थर्ड फेज में था, तो बहुत सारा टाइम मिल गया था. तो आई थिंक आई गिव अराउंड लाइक 10 मॉक्स और समथिंग, 10-11 मॉक्स. तो आई थिंक दैट हेल्प इन बिल्डिंग दैट कॉन्फिडेंस, दैट मैनरिज्म्स एंड लुकिंग एट द टॉपिक्स फ्रॉम मल्टीपल एंगल्स. आई थिंक दैट रियली हेल्प. अभी कितना मॉक और कहाँ से देना होता है, अभी आई थिंक आई वुड नॉट बी द बेस्ट जज ऑफ दैट थिंग, बिकॉज मैंने खुद ही बहुत ही कम मतलब मॉक्स दिया था. बट ऑनलाइन रिसोर्स, ऑफलाइन रिसोर्स दोनों में ही आई थिंक देर आर गुड क्वालिटी मॉक फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस अवेलेबल. अभी टॉकिंग अबाउट द प्रिपरेशन फेज, दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेसफुल पीरियड. And you definitely need something to feel positive or energetic about. There were moments when I felt like probably मेरे से नहीं होगा, काफ़ी tough लग रहा है. तो इसके अराउंड मैं क्या करता था, मेरे को basically दो strategies में follow करता था. फर्स्टली तो ये था कि I had a emotional support system. It consisting of my mother and my friends. जब भी मेरे को ऐसा stress होता था, self doubt होता था, तो I used to talk with them and उनके साथ बात करने से they gave some positive vibes and encouragement कि तुम just अपना efforts देते रहो, बाकी result जो होगा वो देखा जाएगा बाद में, अभी तुम बस अपना पढ़ाई करते रहो. एंड सेकेंडली ये था कि मेरे को फुटबॉल देखने में इंटरेस्ट था, तो आई यूज़ टू वॉच फुटबॉल मैचेस ऑन एवरी वीकेंड एंड लाइक जब भी वेडनेसडे या थर्सडे को चैम्पियंस लीग मैच होता था तब भी रात देर रात तक मैं मैच देखता था. तो आई थिंक दोज वेर द टू फैक्टर्स विच हेल्प मी डील विथ माई स्ट्रेस एंड एंगजाइटी ड्यूरिंग दिस जर्नी. अभी आजकल बहुत सारे डिस्ट्रेक्शंस होते हैं, सोशल मीडिया इज़ वन ऑफ द मोर डोमिनेंट फैक्टर्स जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेक्शंस क्रिएट करते थे. एंड विथ रिस्पेक्ट टू मी, एक्चुअली डिड नॉट कट ऑफ टोटली फ्रॉम सोशल मीडिया, ऐसा टोटली तो नहीं किया था, बट हाँ मैं बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट कर दिया था अपना सोशल मीडिया में प्रेजेंस या फिर इंटरेक्शन. मैं ऐसे ऐप्स वगैरह डिलीट कर देता था अपने फ़ोन से, तो और जो गूगल क्रोम का जो मतलब वहाँ से अगर इंटरफेस पे जाते हैं तो वो इंटरफेस इतना भी ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होता ऐप के कंपैरिजन में. तो डेट वॉज वन स्ट्रैटेजी डेट आई यूज. उसके ऊपर से आजकल तो बहुत सारे जैन मोड वगैरह मिल जाते हैं मोबाइल पे ही, जहाँ पे आप ऐसे मतलब फ़ोन को ही ऑफ कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए कि आप उसको एक्सेस ही ना कर पाए. तो आई थिंक दैट येस, इट इज़ डेफिनेटली रिक्वायर्ड टू रेस्ट्रिक्ट द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, क्योंकि बट इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ दैट कि आप वहाँ से कुछ बेनिफिट ना उठा रहे हैं. यू शुड ऑलवेज ट्राई टू गेट सम सॉर्ट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम सोशल मीडिया. जैसे मैं यूट्यूब से बहुत सारे वीडियोज़ देखता था, एनालिसिस वीडियोज़ वगैरह, तो इट मोर डिपेंड्स मोर अपॉन द जुडिशियस यूज़ ऑफ सोशल मीडिया रादर देन टोटली कटिंग इट ऑफ. विथ रेस्पेक्ट टू कोचिंग, आई डोंट थिंक दैट दिस इज़ एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी. मतलब आई थिंक यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट ऑन योर ओन. सेल्फ स्टडी से बहुत कुछ हो जाता था, जैसे मैं ही बहुत सारे सेल्फ स्टडी के ऊपर डिपेंड करता था. लेकिन हाँ, जैसे मैं जॉब कर रहा था तो मेरे पास कुछ टाइम इशू थे, तो मैंने अपने गाइडेंस के लिए एक ऑनलाइन कोचिंग जरूर ज्वाइन कर लिया था. अभी मैं नहीं बोलेगा कि उसके इट इज़ उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा गाइडेंस मिलने से क्या होता है कि आपको कुछ ट्रायल एंड एरर, बिना ट्रायल एंड एरर के ही आपको कोई गाइड कर देता है कि आप ऐसे पढ़िए ऐसे पढ़िए, तो थोड़ा सा तो हेल्प ज़रूर हो जाता है. बट आई वोंट से कि उसका ऑल्टरनेटिव नहीं है. अगर आप अपने टाइम अपने हिसाब से एफर्ट देते हैं, टाइम देते हैं, तो आप कैन तो आई थिंक यू कैन डेफिनेटली गेट टू दैट पॉइंट, नो एंड नो कि व्हाट क्या करना है और क्या नहीं करना है. नाउ दिस यूपीएससी जर्नी इज़ डेफिनेटली फुल ऑफ हाइज एंड लोज. अभी हाई के बारे में अगर बात करें तो आई थिंक मतलब हाईएस्ट पॉइंट वॉज प्रोबेबली जब मैंने मेंस क्लियर किया था. अभी दिस वॉज माई फर्स्ट अटेम्प्ट एट यूपीएससी. तो लोज तो ऐसा रिजल्ट के हिसाब से ऐसा लोज हिट नहीं हुआ, बट ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी लो पॉइंट्स कि जहाँ पे आपको अपने ऊपर ही डाउट होना शुरू हो जाता है कि मेरे से नहीं होगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, एक तरफ से पढ़ रहे हैं एक तरफ से भूले जा रहे हैं. तो डेफिनेटली दोज आर सम लो पॉइंट्स दैट इट कैन हिट, बट आई थिंक यू शुड स्टे ट्रू टू द प्रोसेस.
आप अपने अपने हिसाब से बस एफर्ट देते रहिए, बस अपने काम करते रहिए, रिजल्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस ना करें. यू गिव योर बेस्ट एंड डू इट इन अ राइट वे. हार्ड वर्क के साथ आप डेफिनेटली आप एक स्मार्ट वर्क भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अभी वहाँ पे सिलेबस ही इतना बड़ा है कि कंप्लीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो कुछ आप अपने हिसाब से जब आप थोड़ा एफर्ट देंगे, कुछ स्मार्टली करेंगे, तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत स्ट्रेस डेफिनेटली कम हो जाता है मेरे हिसाब से. टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ प्लान बी, अभी मेरा सिचुएशन ऐसा था कि मैं ऑलरेडी एक MBBS ग्रेजुएट था, तो मेरा प्लान बी असल में रेडी था कि अगर ये नहीं होगा तो मे बी आई विल गिव अनदर अटेम्प्ट और टू, लेकिन अगर वो भी नहीं होता है तो मे बी आई वुड हैव गॉन बैक टू मेडिकल प्रैक्टिसिंग एज ए डॉक्टर. एंड इन दिस रिस्पेक्ट व्हाट आई फेल्ट वाज दैट हैविंग अ प्लान बी was actually kind of it gave me a cushion factor to work upon harder. कि मेरे को पता था कि ऐसा टेंशन नहीं होता, कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं आ जाता, मतलब डू और डाई सिचुएशन टाइप नहीं हो जाता है. तो फॉर सम प्लान बी हैविंग ए प्लान बी माइट वर्क, वाइल फॉर सम ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो अपना प्लान बी ना रखे तो दैट माइट पुश देम टू गिव द बेस्ट दैट दे हैव इन द प्लान ए इटसेल्फ. अभी मेरा सिचुएशन में ऐसा था कि मेरा प्लान बी ऑलरेडी पहले से ही रेडी था, इट वॉज मतलब लेड था, तो उसका क्वेश्चन मिल गया था. तो आई थिंक इट इज़ हाईली इंडिविजुअलिस्टिक थिंग कि उसको प्लान भी रखना चाहिए ही नहीं. आई थिंक वन कैन बी द बेस्ट जज ऑफ हिज ओन सिचुएशन. एंड एडवाइस टू फ्यूचर कैंडिडेट्स डेट आई वुड लाइक टू से इज़ दैट फर्स्टली हैव अ सेल्फ बिलीफ इन योर सेल्फ. दैट सेल्फ बिलीफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट इज दैट विल बी द ओनली थिंग दैट विल कीप यू पुशिंग थ्रू दिस होल प्रोसेस. सेकेंडली वर्क हार्ड बट एट द सेम टाइम यू नीड टू वर्क स्मार्ट बिकॉज द सिलेबस इज़ वेरी फास्ट एंड यू हैव टू नो वॉट टू स्टडी एंड एट द सेम टाइम वॉट टू अवॉइड. एंड थर्डली ऑल्सो यू नीड टू डेवलप सम सॉर्ट ऑफ मेंटल रेजिलियंस बिकॉज इस जर्नी में बहुत सारे हाइज एंड लोज आते हैं. तो यू हैव टू हैव दैट मेंटल रेजिलियंस की नो मैटर कि अब जितने बार यू फॉल यू नीड टू हैव दैट करेज कि आई पिक माई सेल्फ अप एंड देन की स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड. विद दिस आई वुड लाइक टू एंड माई सेशन एंड आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू ऑल द टू थैंक्स टू DKT एंड विशिंग ऑल द फ्यूचर एक्सपीरियंस ऑल द बेस्ट एंड दैट्स ऑल. थैंक यू.